बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे, चिकन का टिक्का बनाएंगे, स्पेशल टिक्का। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में उसका टेस्ट होगा, लेकिन होममेड बहुत ही आसानी से बनने वाला। टिक्का बनाने के लिए हमने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया, सीने का गोश्त लिया था, उसको इस तरह से बारीक हम काट लेंगे। टिक्के के साइज़ में उसकी बोटी बनाएंगे, बहुत अच्छे से वाश कर लिया था पहले उसको। अब हमने टिक्का साइज़ छोटे साइज़ में उसकी बोटियां बना ली हैं। इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और इसी तरह तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे बिल्कुल गाढ़ा, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे इमली का गूदा। आप उसकी गुठलियों समेत शामिल कर सकते हैं मामूली सा पानी डाल के। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, इसी तरह 1/2 टेबल स्पून हमने शामिल की है कुटी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है हमने ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल किया है नमक। हल्दी थोड़ी सी शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी हमने इसमें शामिल की है, और अजवाइन इसमें शामिल कर रहे हैं हम 1/2 टीस्पून के करीब अजवाइन शामिल की है। ये देखें, ये ज़ीरा पाउडर शामिल किया हमने 1/2 टेबलस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें हमने शामिल किया है चाइना नमक, ज़रदा रंग डाल दिया है, जो हमने स्टार्ट में डाला था वो गरम मसाला था, 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें गरम मसाला शामिल किया था, 1 अदद लेमन का इसमें जूस निचोड़ देंगे हम, बड़े साइज़ का लेमन था तो 1 लेमन का जूस इसमें निचोड़ देंगे। आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत मज़े की रेसिपी है। जुगनू फूड पर आपको बहुत से टिक्कों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ये उनसे अलग है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ऐसी रेसिपी बताएं जो हम घर में थोड़े से मिकदार में बना सकें। ये हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लिया था, जब सारा मसाला हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो घी उसमें हम बाद में शामिल करके उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, 1 किलो की रेसिपी है। आप इसको तवे पे फ्राई भी कर सकते हैं सीखों में लगा के, जो लकड़ी की सीखें होती हैं, और कोयले का दम दे दें, लेकिन मैं इसको लाइव कोयले पर पकाऊँगा, जो बारबेक्यू का स्टाइल है बिल्कुल सेम वैसे ही। ये देखें जी, सब बोटियों को अच्छे से मसाला लग चुका है, बड़ा चटपटा सा मसाला है ये, और इसको जब बनने के बाद इसको आप टेस्ट करेंगे तो इसमें ख़ास किस्म की खटास सी भी आएगी, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है। 1 घंटा हमने इसको फ्रिज में रखा था, घंटा गुजरने के बाद हम इसको सीखों पर लगा रहे हैं। ये देखें, इस तरह से सीखों पर लगाएं। आपने ये याद रखना है, ख्याल करना है, जब भी आप सीखें इस्तेमाल करेंगे, लोहे की अगर सीखें हैं तो उसको अच्छे से जूने के साथ अच्छे से वाश करना है, ताकि उसका सारा जंग उतर जाए और वो साफ़ सुथरी जो है ना बिल्कुल हो जाए। इस तरीके से हम एक सीक्वेंस से बोटियां लगाएंगे, जिस तरह की बोटी होगी उसी शेप में उसी तर्ज से लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। कोयला हमने जला लिया, सीखे हमने पहले ही पिरो लिए, जो चिकन की बोटियां थी हमने सीखों पर लगा लिया, कोयला हमने जला लिया है। कोयला जलाते हुए भी ख्याल करना है कि हाथों को आग ना लगे, हाथों को पेट्रोल टच ना हो, मिट्टी का तेल टच ना हो, या आप वैसे भी अगर आग जला रहे हैं कागज़ के साथ तो भी ख्याल करना है कि आप खुद आग से सेफ रहें। सीखे हमने कोयले पर लगा लिए हैं, कोयला जब बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा तो उसको भट्टी में हम इस तरह से फैला लेंगे और सीखे इस तरह से लगाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको एक साइड से पकाएंगे, 7 से 8 मिनट एक साइड से। जब एक साइड से इसको पका लेंगे तो साइड चेंज करके हम इस पर घी या ऑयल इस तरह लगाएंगे, जैसा कि आपने अभी देखा है। आप ब्रश की मदद से लगा सकते हैं, नहीं तो आप कपड़े की मदद से भी लगा सकते हैं, जो आपको सहूलत मुयस्सर हो। ये देखें जी, 90% हमारा जो टिक्का है तैयार हो चुका है, लुक आपके सामने है, ज़बरदस्त इसकी लुक है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी मज़ेदार होगा। मैंने तो ये खा लिया है जो आपको स्टार्ट में दिखाया है,
दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल जूसी बना है, ये ड्राई नहीं हुआ और मुकम्मल तौर पर गला हुआ और बेहद मज़ेदार चटपटा टिक्का तैयार है। ये देखें जी, मुझे उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाकी टिक्कों की बकाया रेसिपीज़ भी चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।